आई मास इंडिया द्वारा इंटरनेशनल विजुअल कंपटीशन और कॉन्वोकेशन सेरेमनी 2022 का आयोजन भव्य रूप से आयोजित किया गया। कोलाबा के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कुफे परेड में जहां पहुंचे थे कई जानी मानी हस्तियां। इस कार्यक्रम के दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय दुबे ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और आयोजकों को इस कार्यक्रम के आयोजन पर शुभकामनाएं दी। बताया कि यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है जिससे बच्चों को आगे बहुत मदद मिलेगी। इस कॉन्वोकेशन के लिए देश के कोने कोने से बच्चों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के आयोजक है वाइल्डफेयर मार्टीज। इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था आयोजकों और अतिथियों का, देखिए मुंबई से खास रिपोर्ट। आई मास इंडिया के माध्यम से जो इंटरनेशनल वर्चुअल एबेसकस का जो ये कोर्स कंपटीशन जो आज यहाँ पे सर के माध्यम से और मैडम जॉइस मैडम के माध्यम से किया गया है, जो कि मुझे लगता है हर साल ये कंपटीशन कराते हैं, मैं सर को बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा और धन्यवाद भी बोलूंगा कि इस तरीके का कोर्स छोटे छोटे बच्चों को किया जा रहा है और इनका भविष्य इससे बहुत उज्ज्वल होगा, क्योंकि आने वाला जो कंपटीशन है इन बच्चों के लिए उसमें ये कोर्स इनके लिए बहुत सार्थक होगा। तो मैं हमारी पूरी टीम की तरफ से मैं सर को और पूरी टीम को और पूरे पेरेंट्स को और सारे बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि हमारा अगर देश आगे बढ़ेगा तो उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो हमारे यहाँ के जो यूथ हैं, हमारे जो ये यहाँ पे इतने सारे जो बच्चे जो हमारे देश के भविष्य हैं, उन्होंने जिस तरीके से आज यहाँ पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, मुझे 100% यकीन है कि ये बच्चे जो है आगे हमारे देश का ज़रूर नाम रोशन करेंगे। और उसके लिए सबसे बड़ा श्रेय जो है सर को जाता है, वेलफेयर सर को, जॉइस मैम को, जो आई मास इंडिया के माध्यम से आज ये एक इतना हेल्दी कंपटीशन यहाँ पे बच्चों का एबेसकस करके जो ये कोर्स है वो जो कराया और बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा जिस तरीके से वो एक्साइटमेंट में वो कर रहे थे, उनको एक टाइमिंग दिया गया, उस टाइमिंग के अंदर उनको जो अपना वो सॉल्व करना था वो सारा क्वेश्चन उन लोगों ने उतने सीरियसली सब किया, बहुत अच्छा लगा। और ये चीज़ें जो है हमारे पूरे इंडिया में इसको फैलाना चाहिए, हमारे देश के जितने भी बच्चे हैं उनको सबको ये ज्ञान, इस चीज़ का जो ज्ञान है वो उनको मिलना चाहिए। देखिए, मैं उन बच्चों को तो बधाई दूंगा, उसके साथ साथ उन पेरेंट्स को, जो पेरेंट्स इस कोर्स के बारे में पता किया, सर को आके अप्रोच किया और उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पे डाला, 100% उन बच्चों को जब देखेंगे उनके पेरेंट्स की वो जिस फील्ड में उनको उन्होंने डाला है और वो ग्रो कर रहे हैं बच्चे, तो नेचुरली उनको बहुत खुशी होगी। और उनको देख के बाकी के भी बच्चे, बाकी के भी पेरेंट्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि ये कोर्स जो है छोटे सभी जितने भी बच्चे हैं सबको बहुत इंपॉर्टेंट है और करना चाहिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे आज कुछ 1500 के ऊपर बच्चे पार्टिसिपेट किए। मुझे भी पता चला इंटरनेशनल लेवल से भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किए, तो जो किए उनके लिए तो शुभकामनाएं हैं, और जो नहीं कर पाए आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलूँगा कि सभी पेरेंट्स इस कोर्स को ज़रूर कराएं, आई मास इंडिया को अप्रोच करें और अपने बच्चों को अभी से, जैसा कि मैडम ने बताया कि ये कोर्स सीखने के लिए एक एज होती है, उस एज में ही अगर आप अपने बच्चों को इसमें डालेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको ग्रैब कर सकते हैं और सीख सकते हैं। ये अबेकस कोर्स जो है हम लोगों ने 2003 से चालू किया था, तो अगला साल हम लोगों को पूरा 20 साल का हमारा तजुर्बा हो जाता है अबेकस में। और अबेकस जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था
तो इसकी वजह से हम लोगों को मालूम पड़ा कि बच्चों का इसमें ब्रेन इमेजिनेशन कॉन्सेंट्रेशन बहुत डेवलप हो जाता है। तो 15 साल का हम लोगों ने एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद हम लोगों ने हमारा खुद का IMS इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश किया और उसकी वजह से आज हम लोग देख सकते हैं हमारा जो पूरा अबाकस है 17 कंट्रीज़ में आज अबाकस हमारा चल रहा है और 6000 के ऊपर बच्चे आज हमारा टोटल प्लेटफॉर्म में है ऑनलाइन और ऑफलाइन में और पूरा इंडिया के बच्चे आज कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किए हैं। मोर देन 5500 बच्चे आज हमारा कॉम्पिटिशन में पार्ट किए थे। क्या बोले समझे? हाँ, अदर स्टेट में भी है। देखो मुंबई में हम लोग ज़्यादा करके ऑफलाइन में करते हैं, जैसा स्कूल्स में, प्राइवेट सेंटर्स में, और बाकी स्टेट में हम लोगों को जाने को थोड़ा तकलीफ होता है। इसकी वजह से हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पूरा इंडिया का, स्टेट का, पूरा ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं ऑल स्टेट का बच्चे हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आज हमारा MP से आए हैं, चेन्नई से है, बेंगलुरु से है, दिल्ली से और UP से आए हैं। अजय सर हमारा 2 साल पहले का भी कार्यक्रम में आए थे और ये बहुत ही मोटिवेट करते हैं और इसका जो इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। देखो आज का दिन में उसने एक इनिशिएटिव लिया, कोई भी ऐसा लेता नहीं है जैसा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका वो नेशनल प्रेसिडेंट है। देखो इसमें कुछ फ़ायदा तो होता नहीं लेकिन वो भी इनिशिएटिव लेके मैंने बहुत देखा, बहुत संघ संस्थाएं में वो प्रेसिडेंट है, जैसा मीरा भाईंदर में मैं देख रहा हूँ उसका, कभी भी उसका प्रोग्राम चलते रहते हैं और बहुत ही समाज सेवा वो करते हैं। सो फाइनली आज ये इवेंट बहुत अच्छे से गया, सुबह 9 बजे से ये इवेंट हमने शुरुआत की है। ऑलमोस्ट हमारा टीम सुबह 6:30 बजे से यहाँ पे है और जो भी आज हम ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए इसके लिए लेकिन IMS इंडिया का पूरा टीम एक साथ जुटने से, तो मेरा मैसेज मैं यहाँ पे देना चाहूँगी क्योंकि कोई भी बिजनेस हो और या फैमिली हो अगर साथ में चलते हैं तो बहुत लंबा चल सकते हैं और बहुत ग्रोथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे IMS इंडिया की फैमिली दिन ब दिन हमारी बढ़ती जा रही है तो उसका एक ही रीज़न है कि हम सब साथ में काम करते हैं और एक अच्छी फैमिली हमारा बिजनेस में भी हमने संभाल के रखी है। तो डेफिनेटली आगे जाके जो ये हमारा स्ट्रेंथ है हम और हमारा टीम है डेफिनेटली बहुत आगे बढ़ाना चाहेंगे विद द वेरी गुड थॉट कि अच्छा क्वालिटी और अच्छा एजुकेशन अबाकस के माध्यम से हम सारे बच्चों को दे सकें। थैंक यू। हेलो, माय नेम इज प्रिंस और मैं विकास सर का बहुत 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 थैंक यू करता हूँ जब मुझे उनने यहाँ बुलाया और जॉयस मैम का मैं बहुत बहुत क्या कह सकता हूँ मेरे को नहीं पता, जो उनने मेरे को इतना काबिल तारीफ समझा कि मैं यहाँ पे परफॉर्म कर सकता हूँ और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। जैसे ये लोग अबाकस कर रहे थे मैं खुद शॉक हो गया कि बाप रे लोग कितना जल्दी कर रहा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बाकी सारे बच्चों को जो अगले साल फर्स्ट आना चाहते हैं। आज हमारा IMS इंडिया का 2019 के बाद 2022 में हमने ऑफलाइन कंपटीशन किया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में विद मोर देन हाउ मच नंबर 1579 के स्टूडेंट्स ने आज कंपटीशन आए, इतना अच्छी तरह कंपटीशन किया। कहाँ कहाँ से आए थे हमारे आज बच्चे? बहुत ही अलग अलग, ऑल ओवर इंडिया, इट्स नॉट ओनली ऑल ओवर इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड वी हैड स्टूडेंट्स, बट टू नेम अ फ्यू जिनसे मैं मिली यू नो पर्सनली, देर मेनी स्टूडेंट्स बिकॉज यू नो इट वॉज अ रीसेंट टेक्नोलॉजी वट वी हैव यूज द स्कैनर सिस्टम, बारकोड सिस्टम, तो हम ज़्यादा तो बच्चों से मिल नहीं पाए बट जिनसे मैं मिली देवर फ्रॉम गुजरात, देवर फ्रॉम चेन्नई, बैंगलोर, सो वी हैड अ वेरियस यू नो जैसे बोलते हैं इंडिया एज अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वैसे ही इस बार IMS इंडिया भी पूरे इंडिया को साथ में लेकर चला है, नॉट ओनली इंडिया बट डेफिनेटली देवर मेनी अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑफ साउथ लाइक सऊदी। और कौन सा कंट्री? वी हैव द नंबर फ्रॉम रिया, यस यस, वी हैड टोटल पार्टिसिपेशन 1579, इन दैट वी हैड द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स 3 फ्रॉम UK, 5 फ्रॉम दुबई एंड 7 फ्रॉम सऊदी अरेबिया। वन थिंग आई वुड रियली लाइक टू ऐड ऑन हियर, यूजुअली इंडियन स्टूडेंट्स दे गो फॉर सम यू नो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन बट दिस टाइम company IMS India completely originated from India, being an Indian company, and we are hosting this event and we are getting the participation from all over the world, so which is a very very proud moment for IMS India
And we are today very happy because the happiness what we have seen on the faces of the kids, the parents, that has given us an energy to work more harder. So that's all from our end. And yes, once again, congratulations to Team IMS India. And a very big thank you to all the schools who have supported us. Since morning, we have many principals, trustees, fathers from the convent school, sisters from the convent schools who are visiting our event here, blessing our students. So I really want to thank to all of them on behalf of IMS India. Thank you so much for making this event a successful one. Right? IMS India, the rocks. Best. Yes, definitely it rocks. I would like to add one more thing here, Riya and Shilpa. Usually our Indian students go out to get an international certification. This is the first time, I guess, the international students are coming here in India to get the certificate. And the IMS India certificate. Yes, and that too IMS India certificate. So it's give, and apart from that, you know, we for one certificate, for one trophy, participation ka certificate ke liye bhi, we used to travel Malaysia, Singapore. This time all our students, all our Indian students got this opportunity since we were hosting this international event here in Mumbai World Trade Center. All our students, Indian students, got this opportunity to sit in international competition here in India, here in Mumbai. So this is IMS India Abacus. It's a very proud moment being an Indian company. Usually we say India has to go out to get any certification. Now we are saying people from other country has to come to India to get this IMS international India certification. Yes. So thank you so much. Thank you so much. Namaste.